आपको बताना चाहेंगे, खेरसौन में तैनात रूसी प्रशासन करेगा मिलिट्री बेस बनाने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सरकारी अधिकारी के हवाले से, रूस की RIA न्यूज एजेंसी की खबर। एक और ब्रेकिंग इसके बाद तुरंत। आपसी असहमति की वजह से रूस पर लगा ऑयल बैन प्रभावी नहीं रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर रॉबर्ट हैबक का बयान। और अब इसके बाद हम सीधे चल रहे हैं क्वाड की खबर लेकर, क्वाड की खबरों के लिए, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि अब जो सबसे बड़ी खबर है वो हम क्वाड की खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए क्वाड के मिस्टर रिलायबल हम क्यों दे रहे हैं, सामने दिखाइए ब्रेकिंग यहां पर। इस वक्त की क्वाड की अगर बात की जाए तो पहली बड़ी खबर जो क्वाड की है आज वो ये है कि क्वाड देशों की बैठक में टॉप पर था यूक्रेन युद्ध का मुद्दा। इस वक्त की बड़ी खबर इंडो पैसिफिक की स्थिरता पर सभी देश एकमत। बड़ी खबर क्वाड देशों में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की भी हुई आलोचना। कोरियन प्रायद्वीप के डीन्यूक्लियराइजेशन पर सभी क्वाड देश एकमत। कोरोना से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे क्वाड देश। और इसी के साथ ये बहुत बड़ी खबर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे सभी मेहमानों को, अभिषेक उपाध्याय को, हमारे साथ सभी मेहमान, हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जल शंकर प्रसाद सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू हैव यू। मेरे साथ है एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर। सर थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ है विनोद अगस्टीन सर, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक उपाध्याय टोक्यो से लाइव है, ब्लैक सी से मनीष झा आप देख रहे हैं, जिनकी अभी अभी आपने सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा हमारे जितने भी खास मेहमान हैं इस पर जरा ध्यान दें, यह बहुत बड़ी खबर है। अभिषेक मैं आपके पास आ रहा हूं, क्वाड के जॉइंट स्टेटमेंट से देखी भारत की बड़ी जीत। क्वाड के जॉइंट स्टेटमेंट से पाकिस्तान को दिया गया बड़ा संदेश। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं पहले, क्वाड के जॉइंट स्टेटमेंट में मुंबई के 26/11 और पठानकोट आतंकी हमले की निंदा। क्वाड के जॉइंट स्टेटमेंट में अफगानिस्तान का आतंकी घटना के लिए इस्तेमाल ना होने की बात। क्वाड के जॉइंट स्टेटमेंट में आतंक को फंडिंग करने वाले देशों पर कार्रवाई की बात। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हमारे अभिषेक उपाध्याय जिन्होंने मुझे वो जॉइंट स्टेटमेंट पास ऑन किया। अभिषेक ये भारत की जीत नहीं तो फिर क्या है? दिस इज रियली बिग, अगर मैं सही मायने में इसको देखूं, योर टेक, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का बस नाम भर नहीं लिया गया है जैसे नॉर्थ कोरिया का लिया गया है, लेकिन 26/11 के हमलों का जिक्र है, पठानकोट का जिक्र है, अफगानिस्तान में आतंकी स्पॉन्सर ना हो इसका जिक्र है। यह भारत की बहुत बड़ी जीत है, और वो भी सेकेंड इन पर्सन मीटिंग में। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से क्वाड का जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है उसमें भारत के हिस्से कितना कुछ है, भारत के उन मुद्दों का जिक्र किया गया है जो पाकिस्तान के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र है, पठानकोट का जिक्र है, 26/11 के मुंबई हमलों का जिक्र है, और ये क्लियर बता रहा है कि इसके पीछे की डिप्लोमेसी क्या है, इसके पीछे कितना एक्नॉलेज किया गया है, भारत के कद को कितना एक्नॉलेज किया गया। चूँकि आमतौर पर जो क्वाड का जो डायमेंशन है उसमें इंडो पैसिफिक और उसके अंदर फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की कवायद, उसके ज़रूरी, उसके जो जरूरी उपक्रम हो सकते हैं, इन बातों का ही जिक्र होता है। लेकिन इसमें भारत की इन चिंताओं को खास तौर पर शामिल करना यही बता रहा है कि इसके पीछे की भारत की डिप्लोमेसी कितनी सक्सेसफुल रही है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उसमें FATF तक का भी जिक्र किया है जो अभिषेक आपने डिटेलिंग मुझे भेजी है। आप मेरे साथ बने रहिए, एक बार फिर से हमारे दर्शक की ब्रेकिंग देखें, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से क्वाड में आतंक को लेकर एक स्टेटमेंट आया है, और ये क्वाड का जो पूरा का पूरा रूप है इंडो पैसिफिक से आगे बढ़ते हुए है, और ये जैसा कि अभिषेक ने बताया भारत के डिप्लोमेसी की जीत है। और इसी के लिहाज से इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या कुछ हुआ है यहां पर, बंद कमरे में क्या हुई बात। यह बहुत बड़ी बात है,
बंद कमरे में क्या हुई बात? रूस का यूक्रेन पर हमला क्वाड देशों की सबसे बड़ी चिंता, नंबर वन। नंबर टू, इंडो पैसिफिक शांति और स्थिरता सभी क्वाड देशों की प्राथमिकता। नंबर थ्री, हर तरीके के आतंकवाद और आतंकियों की मदद की क्वाड देशों ने निंदा की है, यहां पर भारत ने चीजों को टर्न अराउंड कर दिया। आतंक के लिहाज से जो बात हो रही है, अफगानिस्तान की धरती का आतंकी घटनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए यह भी कहा गया। ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में सभी क्वाड देश एक साथ हैं यह भी कहा गया। क्वाड के जॉइंट स्टेटमेंट में मुंबई के 26/11 और पठानकोट आतंकी हमले की निंदा की गई है। यह बताता है कि किस दिशा में आगे बढ़ रहा है यह पूरा क्वाड और कौन लीड कर रहा है। इसीलिए पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है। यहां पर क्वाड देशों ने नॉर्थ कोरिया से उकसाने वाली कार्रवाई बंद करने की मांग की है। कोरियन प्रायद्वीप के डीन्यूक्लियराइजेशन पर सभी क्वाड देश एकमत हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।